सालों से नहीं, ड्राइंग करते करते एक साल इतने 2-3 महीनों से ना मैं वो पुराने वाले टूल किट की पेंसिल यूज कर रहा था। आज मुझको अपने फेवरेट कंपनी की पेंसिल मिल गई है, जो कि आपको अनबॉक्स करने के बाद पता चलेगी कौन सी है मेरी फेवरेट। तो फिर अभी मैं बॉक्स को खोलने वाला हूँ और इसमें 6 पेंसिल्स हैं। ये 675 रुपीज़ का एक बॉक्स है जिसमें 6 पेंसिल हैं और स्टेडलर अच्छा भी ब्रांड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की सबसे लाइट ग्रेड वाली पेंसिल HB को यूज़ करने वाला हूँ, बिल्कुल लाइट शेड। जो कि ऐसा आ रहा है, अभी तो ये लाइट आ रहा है और इसको ऐसे फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं तब भी ये अच्छा ब्लेंड हो रहा है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है इसकी। और अभी मैं लेने वाला हूँ 2B पेंसिल। पता नहीं क्या है, देख रही हूँ। ये वाली आप डिफरेंस देख सकते हैं, वो होता है ना कि फैबर कैसल की जो होती है उसमें 2B और 6B और 8B सेम ही होती है, लेकिन इसमें आप HB और 2B में फ़र्क देख सकते हैं। अब 2B और 4B तो फैबर कैसल में सेम होती है, लेकिन अभी आप डिफरेंस देखना स्टेडलर में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है। डार्क है ना? अब मैं लेने वाला हूँ 6B जो 4B के बाद दी हुई है मुझको। अब यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखना है, ये उससे और भी ज़्यादा डार्क है। अब मैं लूँगा 7B जो मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि किसी भी टूल किट में शायद से वो नहीं आती है, मेरे टूल किट में नहीं आई थी। ये उससे भी ज़्यादा डार्क है और इसकी 8B मस्त होने वाली है शायद से, शायद से क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये रही 8B। ये पेंसिल्स पहले से ही शार्प आती हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते, तो ये वाली है HB, 2B, 3B, 4B, 6B और ये है 8B। 8B तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंस दिख रहा होगा HB से लेकर 8B तक। और स्टेडलर की एक अच्छी खास बात यह है कि ये शाइन ज़्यादा नहीं होता है, और जैसे टॉम्बो की वो होती हैं पेंसिल्स होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं और शाइन भी बहुत करती हैं, साथ में आर्ट लाइन बहुत लाइट होती है उसकी। 8B 4B जैसी होती है। और साथ ही में एक और इसकी अच्छी मुझको खास बात लगी कि ये ना बहुत स्मूथली ब्लेंड होती है, इसका टेक्सचर जब हम करते हैं ना सब में लाइन लाइन दिखता है, इसमें ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही स्मूथ पेंसिल है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इससे ड्राइंग बनाने के लिए, मेरी फर्स्ट ड्राइंग फ्रॉम स्टेडलर। अभी तक तो मैं कॉर्सलेट से बनाता था, और अभी मैं इसकी फुल वीडियो डालूंगा जो भी मैं ड्राइंग बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पेंसिल से कोई और ड्राइंग बनाऊं, तो फिर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना कि किसकी ड्राइंग बनाऊं। आज की वीडियो में इतना ही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।